ये कुछ इस प्रकार से इसी में दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इसी कार का अपन ECM लगा के चेक करने वाले हैं। इसका जो इंजन चेक लाइट है ये कंटिन्यूसली आ रहा है, इसका जो ये OBD स्कैनर है ये काम नहीं कर रहा है, मतलब दोस्तों कनेक्ट नहीं होता है। 9000 में दोस्तों पुराना ECM दे रहा था, उससे अच्छा दोस्तों हम नया ECM ले लेते हैं। नया ECM दोस्तों 11000 का है, जो कि बुडमो पे इजीली अवेलेबल है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है और ये अपनी शेवरले बीट पेट्रोल। तो आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों ECM रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो चले दोस्तों आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो दिखा देते हैं पहले। तो दोस्तों अपन कार में आ चुके हैं, तो चले अभी इसका मीटर ऑन करते हैं अपन। ये कुछ इस प्रकार से इसका मीटर ऑन हो चुका है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप। तो अपना दोस्तों जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, इसका ECM रिलेटेड है। इसका जो इंजन चेक लाइट है ये कंटिन्यूसली आ रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों, इसमें जो OBD स्कैनर है, जो कि दोस्तों यहाँ लगा होता है, ये कुछ इस प्रकार से, ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप। ये जाके दोस्तों आ जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में। और एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों मैं आपको, ये मैंने बंद कर दिया। अब दोस्तों जैसे कि देख सकते हो अपनी कार बंद है, तो अभी इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अभी इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, अभी तो दोस्तों जल ही रहा था कंटिन्यू, पर दोस्तों कभी कभार क्या होता है ये जाकर वापस आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों। और दूसरा प्रॉब्लम जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो OBD स्कैनर है, जो कि यहाँ पे है, जैसे कि देख सकते हो आप, इसका जो ये OBD स्कैनर है ये काम नहीं कर रहा है, मतलब दोस्तों कनेक्ट नहीं होता है। जब दोस्तों अपन इसमें स्कैन करते हैं, मतलब इसे OBD स्कैनर से कनेक्ट करते हैं, उसका दोस्तों एक LED इंडिकेटर आता है, वो तो जलता है, पर दोस्तों इसका जो अंदर का जो कम्युनिकेशन है, मतलब दोस्तों जो स्टेयरिंग का हो गया, इंजन रिलेटेड सेंसर का हो गया, कि अपनी कार दोस्तों सही तरीके से बताता है कौन सा सेंसर काम कर रहा है, कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा है, वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है इसमें। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, आपको एक बार रेस भी करके दिखा देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से। तो बस दोस्तों अपने कार में ये दो प्रॉब्लम है, वो भी दोस्तों अपने ECM रिलेटेड ही है, वो भी आपको आगे दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आपको एक बार इंजन की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये अपना इंजन है, जैसे कि देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, और इसका ECM का कुछ यहाँ पे लोकेशन है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि देख सकते हो आप, ये ECM है दोस्तों कुछ इस प्रकार से। तो आपको एक बार रेस भी करके दिखा देता हूँ यहीं से, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, इंजन के साउंड भी सुन सकते हो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये दो प्रॉब्लम है दोस्तों अपने कार में, इसका भी वीडियो अपन ने प्रॉपर तरीके से बनाया है, वो पहले आप वो वीडियो देखें फिर आपसे बात करते हैं दोस्तों। उस वीडियो में दोस्तों मैंने कोई आपको जानकारी दी नहीं है, वहाँ पे आपको मैं प्रॉपर तरीके से वॉइस ओवर कर दूंगा, ताकि दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से उसकी जानकारी मिल पाए। तो पहले दोस्तों आप वो वीडियो देखें फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई अपन मार्केट आ चुके हैं, ये कुछ इस प्रकार से बीट है दोस्तों। तो चलो आपको दिखा देते हो, और ये दोस्तों एक्सीडेंटल है और स्क्रैप हुई है, जैसे कि देख सकते हो आप। और ये भी दोस्तों पेट्रोली मॉडल है। तो दोस्तों इसी कार का अपन ECM लगा के चेक करने वाले हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों कार की कंडीशन देख सकते हो दोस्तों आप। तो आपको एक बार पीछे से भी दिखा देता हूँ। और ये दोस्तों LT टॉप मॉडल है, जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ इस प्रकार से। तो चलो दोस्तों अभी इसके ECM के बारे में बात करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों पुराने कार का ECM लगाने से पहले अपना भाई इसमें चेक कर रहा है, असल में दोस्तों अपना जो OBD स्कैनर है इसमें कनेक्ट होता है या नहीं। तो वैसे तो हमें पता ही है दोस्तों इसमें OBD स्कैनर कनेक्ट नहीं होता है, तो भाई को चेक करने देते हैं फिर आपसे बात करते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों भाई ने भी काफ़ी बार ट्राई किया, इसमें दोस्तों अपना OBD स्कैनर है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी दोस्तों अपन इसमें पुराना ECM लगाएंगे, फिर आपको बताते हैं दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करके इसका दोस्तों इंजन चेक लाइट जाता है या नहीं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी अपन इसमें पुराना ECM लगा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हो अपना भाई लगा रहा है। तो ये लगाने के बाद दोस्तों अपन स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको इसका दोस्तों इंजन चेक लाइट जाता है या नहीं, तो वीडियो में बने रहिएगा। गया आता स्मूथ ही झाली गाड़ी,
तो दोस्तों जैसे कि देखा ही आपने वीडियो में, जैसे ही दोस्तों अपन ने पुराना ECM लगाया तो अपना जो इंजन चेक लाइट है वो प्रॉपर तरीके से चला गया और दोस्तों कार के फायरिंग में और इंजन में भी थोड़ा सा स्मूथनेस आ गया। तो अगर दोस्तों आपके कार का जो ECM खराब होगा तो ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है अपने कार में, जैसे कि दोस्तों आपके कार का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें इंजन चेक लाइट शो होगा और दोस्तों अपने जो कार में जो OBD स्कैनर लगा होता है वो भी कनेक्ट नहीं होगा। तो ये दो प्रॉब्लम आ सकते हैं दोस्तों अगर दोस्तों आपका कार का ECM खराब होगा तो। तो चले दोस्तों अभी अपने कार का जो पुराना ECM है वो निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, और वो जो पुराना ECM है वो भी आपको दिखाते हैं दोस्तों, ताकि दोस्तों इस बारे में आपका कोई भी डाउट ना हो। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो चले दोस्तों उस कार का आपको ECM दिखा देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से ECM है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ इस प्रकार से, और अपना ECM दोस्तों कार में लगा है वो भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से जैसे कि देख सकते हो आप, और ये अपना पुराना ECM। तो दोस्तों वीडियो में तो आपने देखा होगा दोस्तों अपने कार में क्या प्रॉब्लम था ECM रिलेटेड, और दोस्तों वो ECM रिलेटेड ही प्रॉब्लम था। तो कुछ दोस्तों ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकता है अपने कार में अगर दोस्तों आपका जो ECM खराब हो तो। और ये दोस्तों मैं वीडियो डालने नहीं वाला था, सोचा चलूँ दोस्तों आपको भी इस बारे में थोड़ी जानकारी मिले और दोस्तों आपकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, ताकि दोस्तों आपके भी कार में कुछ ECM रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम था दोस्तों अपने कार में। तो चलो दोस्तों आपको एक बार बता देता हूँ सिंपल वे में अपना ये प्रॉब्लम कैसे डायग्नोस करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों कार में जब ECM रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो अपने के जो कार के डैशबोर्ड में जो मीटर है उसमें दोस्तों हमें इंजन चेक लाइट का साइन दिखाएगा, कंटिन्यूसली दिखाएगा। तो इसी के चलते दोस्तों पहले हमने इसका पूरा जो भी इसमें सेंसर आते हैं वो चेक किए। तो मैन्युअली हमने पूरे सेंसर चेक किए, सभी सेंसर देखे दोस्तों प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे या नहीं। तो अपने सेंसर में कोई भी गड़बड़ नहीं थी, वो अपन ने प्रॉपर तरीके से चेक किया था। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका डायग्नोस का पहला तरीका। तो दूसरा तरीका दोस्तों हमने जो इसका जो ECM है, जो कि ये ECM है, इसकी जो वायरिंग पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से चेक की, और इसकी वायरिंग चेक करने को लिए दोस्तों हमें 2 दिन लगे। और वायरिंग भी चेक करने के बाद दोस्तों हमारे वायरिंग में भी कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई भी कट या वगैरह कुछ नहीं था, वायरिंग भी अपनी प्रॉपर थी। तो ये तो हो गया दोस्तों दूसरा तरीका। तो ये 2 तरीके हमने इसमें किए, तो ये 2 भी तरीके हमने देखे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों अपने कार में। इसकी जो वायरिंग थी ECM की वो भी सही थी, और इसमें जो दोस्तों सेंसर लगे थे वो भी प्रॉपर तरीके से ठीक थे। ये सभी चीज़ें चेक करने के बाद भी दोस्तों हमारा जो इंजन चेक लाइट है वो कंटिन्यूसली आ रहा था, और OBD स्कैनर नहीं लग रहा था। तो बचा दोस्तों इसका जो ECM का, ECM भी हमने चेक किया, वैसे तो दोस्तों ECM में कोई भी फॉल्ट नहीं था, बट दोस्तों इसका जो ECM का जो अंडर के जो कंपोनेंट है, छोटे छोटे जो IC होते हैं वो उड़ चुके थे, इस कारण से ही ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ था अपने कार में, जो कि दोस्तों अपने कार में जो OBD स्कैनर है वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, और दूसरा प्रॉब्लम है इंजन चेक लाइट कंटिन्यूसली आ रहा था। तो अपने दो ECM में प्रॉब्लम होने के कारण ही दोस्तों हमारा ये 2-3 भी प्रॉब्लम है आना स्टार्ट हुए थे। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा दोस्तों अपना मेन कारण ये ECM ही था। और दोस्तों मैंने आपको ये नहीं बताया, इसमें तो अपन ने पुराने कार का ECM लगाया था, वो ECM लगने के बाद दोस्तों अपना जो OBD स्कैनर है वो कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और दोस्तों वो भी सही से कनेक्ट हो रहा था। तो उसका वीडियो दोस्तों मैं आपको नहीं बता पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो उसका वीडियो भी अपन जल्द लाएंगे दोस्तों, और दोस्तों जल्द ही दोस्तों अपन इसका ECM भी चेंज करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों अपन इसका जो ECM है वो पुराना ही डालेंगे, अपन उस वीडियो में दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से अपन इसका जो OBD स्कैनर है वो कनेक्ट भी करके दिखाएंगे, और इंजन चेक लाइट तो आपने इस वीडियो में देखा ही होगा। तो अभी थोड़ा दोस्तों अपना बजट का इशू है, इस कारण से अपन इसका जो ECM नहीं डालने वाले हैं। और जो दोस्तों अपने कार में जो ECM अपन ने डलवाया था उसका रेट दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है, वो 9,000 बोल रहा है। तो इतना तो अपना पॉसिबल नहीं है दोस्तों इस गाड़ी में खर्च करने को। 9,000 में दोस्तों पुराना ECM दे रहा था, उससे अच्छा दोस्तों हम नया ECM ले लेते। नया ECM दोस्तों 11,000 का है, जो कि बुडमो पे इजीली अवेलेबल है, इस कारण से दोस्तों हमने उसे मना कर दिया। और अभी दोस्तों हमने इसका जो ECM का रेट नागपुर में पूछा था, नागपुर में दोस्तों हमें इजीली 4,000 से 5,000 के बीच में मिल जाएगा, तो अभी वही ट्राई कर रहे हैं। और जैसे ही अपना बजट होगा दोस्तों वो भी अपन ECM लगा के आपको दिखाएंगे, उसकी भी दोस्तों प्रॉपर तरीके से वीडियो आएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर दोस्तों आपके कार में ECM का प्रॉब्लम हो तो ऐसी भी समस्या आपको आ सकती है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों, आपको इस बारे में जानकारी मिले। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर दोस्तों आपके भी कार में कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम था तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और ये ECM रिलेटेड दोस्तों प्रॉब्लम किसी भी कार में आ सकता है, ऐसे ही नहीं दोस्तों श्योरली बीट में ही आएगा।
कोई भी कार हो दोस्तों, पेट्रोल या डीजल हो, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर दोस्तों आपका भी कुछ इसी रिलेटेड प्रॉब्लम था तो आपने सॉल्व किया हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर दोस्तों इस बारे में आपका कोई भी सवाल हो, राय हो, तभी भी कमेंट कीजिएगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।